धमधा नगर के युवाओं के लिए श्री शंकराचार्य उन्मुक्त खेल मैदान बनाया गया, जहां 1 जून से 7 जून तक फ्रंट लाइट क्रिकेट अध्यक्ष ट्रॉफी धमधा का आगाज किया गया। बता दें कि इस नए भव्य स्टेडियम को पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 58 लाख रुपए स्वीकृत कर निर्माण कराया गया, जिससे धमधमा नगर पंचायत के युवा वर्ग काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। इस बार हर चीज़ नया है। अध्यक्ष ट्रॉफी मैच के लिए जो खिलाड़ी यहाँ पर 1 से 15 वार्ड के खिलाड़ी हैं, उनको हम लोग नए जर्सी ड्रेस दिए हैं 1 से 15 वार्ड के खिलाड़ियों को, और नया स्टेडियम बना है। जो फ्लड लाइट मैच है, हमेशा हम लोग एक छोटे से ग्राउंड में ये मैच करवाते थे, लेकिन इस बार आदरणीय चौबे जी के आशीर्वाद से और हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व CM माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से एक नया स्टेडियम 1 करोड़ की लागत से लगभग हुआ है। तो आज ये मैच उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे खिलाड़ी भाइयों के लिए, क्योंकि ऐसा मैच धमधा नगर में पहली बार हो रहा है और एक सपना लग रहा था कि हम ऐसे फ्लड लाइट मैच यहाँ स्टेडियम में होगा, तो ये सपना निश्चित रूप से पूर्ण हो रहा है और सभी खिलाड़ी भाई बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है कि हम इतने अच्छे ग्राउंड में अपना मैच खेल रहे हैं। यहाँ तो धमधा नगर का उत्साह देखते ही बनता है। ये तो पहली मौका है राजीव भाई के अध्यक्षता में ये मौका मिली से, जेना हमला फ्लड लाइट क्रिकेट ग्राउंड मिली से, बहुत बहुत बधाई राजू भाई ला। और बहुत अच्छा माहौल, बहुत जबरदस्त माहौल है यहाँ के, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार आयोजन। आज मेरे ख्याल से इतिहास में पहला ऐसा गार्डन हमारे नगर पंचायत धमधा के तत्वाधान में यहाँ पे निर्माण हुआ,